दिन मैं नाल का जो रेस्टोरेंट है चांदनी रेस्टोरेंट वो दे विच सी तो वो थे एक मदर्स डे ब्यूटी पेजेंट हो रहा सी ते मैं वो दे विच हिस्सा लिया सी ते उस वक्त जब मैं हिस्सा लिया यू नो आई थॉट के चलो यू नो कुछ वक्त है ते मैं रियलाइज किया कि जिन्हिया भी पार्टिसिपेंट सी मैं उन्हां विचों सब तो वड्डी मां सी जो हिस्सा ले रही सी ते मेरे नालों छोटी जो पार्टिसिपेंट सी वो घट्टो घट मेरे नालों 10 साल छोटी होगी सो ये जो मैनू एहसास होया ते मैं अपनी इंट्रोडक्शन देते वक्त ये लाइना सुनाईया सी जजेस नूं कि कैसी रफ्तार से दिन आता है कैसी रफ्तार से दिन आता है और चला जाता है कि बूढ़ा हुआ ही नहीं जाता है सो शायद ये लाइना ही सन ते इन्हां लाइना का ही कमाल सी कि मैनू फर्स्ट रनर अप का खिताब मिल गया ते ये जो शब्दों की लड़ी है ये एहसास होया कि ये मेरे नाल हर जगह जाएगी भावें मैं जिते भी हुआ सो मेरे वास्ते पिछला साल मदर्स डे जड़ा सी इट वॉज ए लिटल बिट मोर दैन ब्रेकफास्ट इन द बैड सो ये मेरे सुभाग ही ने कि इस साल भी मदर्स डे जो है मेरे वास्ते बहुत ही खूबसूरत तोहफा लैके आया है कि मेरी किताब अज रिलीज हो रही है और उसके गोष्ठी हो रही है सो एक प्रधान जी की वजह करके होया मेरा ख्याल और आई थिंक इज फॉर द गुड अगले हफ्ते इतवार को होना सी सो हूँ रिलीज हो रही है सो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मैं विपसा प्रधान जी मंडल डॉक्टर सिद्धू नावलिस्ट इंद्र खामोश सीरत जी कहानीकार पंदेर जी गुलशन अपना तालीवाल जी गुरिंदर जी सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त कढ़ के पहला तो मेरी किताब में पढ़िया है तो फिर इस किताब के उत्ते पेपर लिखे हैं और इतने सबन सुनाया है सो इस समारोह में आए सारे स्रोतियों थानू मेरा सलाम है कि तुसी इतवार के दिन मदर्स डे के दिन मेरे लिए कुछ घंटे कटे हैं तो इतने इस समारोह के शरीक हुए हो अपने मित्र शायर ते लेखक मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने मैं इतने आके अपन शुभकामनावान दतिया तो हौसला अफजाई दी है सो मैं थोड़ा जहा अपने बारे दसागी कि मैं कविता कितों लिखी सी या किस तरह शुरू हुई तो जितों तक मैं याद है कि मेरी पहली कविता का सरनामा अधूरी कविता से सो ये कविता मेरी सबकॉन्शियस के चेतना के उची सी तो जिमें मैं सवेरे उठी ये शब्द मेरे आले दुआले घूम रहे थे तो मैं अपना पेपर के उत्ते ये लफ्ज लिख दिते रूप प्यार तो बिना मन ख्याल तो बिना जवाब सवाल तो बिना जिमें अधूरा है मेरी कविता भी अजे उमें अधूरी है साध सिद्ध तो बिना गल मुद्दे तो बिना अद्धा अद्धे तो बिना जिमें अधूरा है मेरी कविता भी अजे उमें अधूरी है सो जिमें अधूरापन मेरी मेरी कविता भी अजे अधूरी है सो मैं याद है कि जो मैं लिखा सी तो मैं ये नहीं सी लग्या कि मैं हाँ मैं कविता लिखी है मैं कविता लिख सकती हाँ या मैं कवित्री बन सकती हाँ पर मैं एक बड़ी अजीब जी खुशी मिली सी लिख के और वो खुशी शायद जिमें कुमार अपना घड़ा बनाने तो बाद मिलती है ठीक है ना या जिमें किसी चित्रकार अपनी पेंटिंग पूरी करन तो बाद मिलती है उस तरह की कुछ मैं खुशी मिली सी सो यही जो मैं समझती हाँ कि ये कविता जो सृजना का बीच से मेरे वास्ते सो जो अजे तक भी मैनू वह अधूरापन महसूस होंदा है इसके नाल ही
जो मैं हूँ कविता या कहानी सोचती हाँ तो मैं यही इस तरह की खुशी का एहसास होंगे है जो मैं अधूरी कविता लिखने तो बाद मिली सी। अधूरेपन की पूरे होने की ख्वाहिश का सिलसिला ये अजे तक जारी है। कितने खप्पा जदों समाज के मैं नज़र आता है तो कलम उस खप्पे पूरन करने तुर पी। इस तरह एक बार अचानक मन में ख्याल आया सी कि ताज महल देख के कि बादशाह शाहजहां विच ये जज्बा कितों आया। किन्ने ही बादशाह ने उन्हां दियां बेगमां सी उन्हां दियां उन्हां दे मकबरे भी बने हुए ने ये जज्बात शाहजहां दे विच ही क्यों आए कि उसने ताज महल बना दिता। सो खोज करन तो बाद ये विचार मैनू छड़दा ही नहीं सी तो मैं ये बारे खोज करनी शुरू कर दी थी। तो खोज करन तो बाद मैनू ये पता चलिया कि शाहजहां दी मां मनमती सी पर वो राजपूत प्रिंसेस सी ते शाहजहां दी दादी जो दवाई तो सबनों पता ही है कि वो सी। सो मैं ही नहीं बल्कि कुछ पछमी लोग भी मेरे नाल उन्होंने गल की है तो वो यही समझते हैं कि भारतीय नारी अपने जीवन साथी लई जिन्नी लगन और लगाव वो मन में होंदा है वो किसी भी दुनिया के नहीं मिलता। सो मैं ये सोचनी हाँ कि जीवन साथी लई ये लगन और लगाव का जज्बा ही सी जिसने ताजमहल नू उसारिया। सो मेरे विचार विच ताजमहल की उसारी ते जज्बात विच मनमती ते जोधा बाई का भी हिस्सा है शाहजहां दे नाल। सो आज मदर्स डे है सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू दिस वुमन। सो मैं थोड़ियां जलाइना इस कविता दी सुनाना चाहवांगी कि मैं ताजमहल नू वेंदी हाँ इमारत ए बुलंद वेनी हाँ डूंगियां सोचां विच गुझा हो जांदी हाँ ते गौर करन ते मजबूर हो जांदी हाँ ये कदों बणिया किवें बणिया किसने किस लई बनाया इतिहास ये सब जानते ने कि असलियत सब पहचानते ने मैं गौर करन ते मजबूर हो जानी हूँ। मुगलां दे जालम रवश विच ए उच्च सुच प्यार दी किवें निकली खेड खून दी नित खेडन वालियां विच ए अमृत धारा किवें बह निकली मैं गौर करन ते मजबूर हो जाती हाँ। मैं इतिहास विच झाती मार मार तत्थां तत्तां नूं छान छान साखी सबूतां नूं माण माण इको ही सिट्टा कढ़िया है जहांगीर अकबर दे नाल नाल पुत्तर जोधा बाई दा वी सी ते शाहजहां दे रग रग विच खून मनमती दा वी मिलदा सी कि ए जिनस सी जोधा बाई दा जिस जहांगीर कन्हैया बनाया सी कि असर सी मनमती दे जनून दा जिस शदाई इश्क शाहजहां नूं बनाया सी। मैं इतिहास के पन्ने फरोलती हाँ कि कितरे मैनू कुछ लग जाए मुगल आए सी जिथे जिथों उथे भी कोई अस्थान सही खा मिल जाए ते शाहजहां तो बाद भी कोई अजोका नमूना ना सामने आया है औरत नू फकत सरमाया ही समझन तो इलावा कुछ नजरी ना आया है यह दुनियादारी है कि औरत दा अस्तत व्याह उपरंत बदल जाता है लास्ट में बदल जाता है ना पर गौर करो ता उस विच वस्ता इंसान ता नरोल उही होता है। मैं ताजमहल नू वेनी हाँ शाहजहां मुमताज दे सोने स्वरूप उत्ते माँ मनमती अते दादी जोधा बाई दियां दुआ दुआवां असीसां द छाप वेखनी हाँ मैं गौर करन ते मजबूर हाँ। सो इस तरह ही कुछ भी देख के समाज दे विच मन दे अंदर विचार पैदा होंदे ने ते इना जज्बियां दे नाल ही कवितावां जमदियां रहियां हैं जिवें कविता अज कुछ ते करिए तेरे खाब विच आवां मेरियां सहेलियां बेसिद के सवाल या जे किते। खैर जीवन छोटा है ते दुनिया ते इसका विस्तार बहुत वड्डा है और ये खप्पा मेरे अंदर बनिया ही रहेगा। सो यही मेरी दुआ है कि मेरी कलम इस खप्पे नूं पूरन लई चलती रहे।
जल्दी नहीं।